हेलो डियर व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम जा रहे हैं अपने घर से मुल्ठी मेले में और मेरे साथ चल रहे हैं शौर्य, दीपू। हम तीनों मिलकर जाएंगे उस मेले में और इन्जॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे वहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे। चलते हैं व्यूअर्स उस मंदिर की ओर। ये निकले हैं हम घर से। और हम पहुंचे झालीवाली मार्केट में। ये पहुंचे हैं माता जी के मंदिर के काफी करीब। यहाँ ऊपर से नजारा नीचे का देखिए, लगा हुआ टेंट। ये देखिए यहाँ पर भंडारे का तैयारी होती हुई। ये हमारे दादाजी सीनियर सिटीजन, सभी माताजी के भक्त। पूरी पूरी बना रहे, पूरी अब जा रहे हैं भक्तों हम भोले बाबा जी के मंदिर, जो सतमुख महादेव के नाम से जाना जाता है। लगे हुए हैं शौर्य और दीपू रास्ते में। ये पहुंच चुके हैं मुल्ठी में। यहाँ पे लगा हुआ गाड़ियों का अंबार, काफ़ी रस रहता है यहाँ पे ऑल टाइम। हमने भी काफ़ी दूर पार्क कर दिया है अपनी गाड़ी को। लगी हुई शॉप्स आपको दिखाते हैं। ये लगे हुए हैं दीप और सॉरी रास्ते पे। रोड के दोनों तरफ लगी हुई दुकानें। ये लग चुका है जाम, लोग फंस चुके हैं जाम में पूरी तरह से।
आते हुए वो ये है देवेंद्र हमारे साथ चलते हुए, लगी हुई भक्तों की कतार। न जाने कितने भक्त आ चुके हैं इस समय और कई वापस जा चुके हैं भीड़ लगा करके आशीष लेके भगवान जी का। हम भी जा रहे हैं मंदिर की ओर। हम में फंसे हुए हैं क्षेत्र पंचायत। करवाओ आओ बीच के पास, बीच के पास। जय हो, जय हो, हर हर महादेव, जय भगवती। चलो चलो चलो, चल चल ना। अरे तू 10 रुपए दे दे पहले। ओ हेलो, सुधीर, सुधीर ये पहुंचे मंदिर के प्रवेश द्वार पर। ये देखिए भक्तों, मंदिर का भव्य स्वरूप। भैरव बाबा जी के साक्षात दर्शन कीजिए भक्तों। बोलो नाथ बुद्ध भैरव बाबा की जय हो। सॉरी को तो लग गई है, थक उसको आने लग गए नींद। आज जो है यहाँ भारी भीड़ होने के कारण ऊपर नहीं जा सकते, हम दूसरे दिन दिखाएंगे।
सॉरी इधर देखो। और ये लिया है हमने पंडित जी से प्रसाद। भीड़ का जमावड़ा भक्तों की कतार यहाँ पे लगी हुई है। अब हम गए हैं भैरव बाबा से दूसरे मंदिर में, जहाँ पर कृष्ण जी गणेश जी विराजमान है। ये स्टूडेंट्स स्कूल के और साथ में दीपू शौर्य दोनों। सर जी नमस्कार। तू भी चलता जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है भक्तों की भीड़ देखिए, ह्यूज क्राउड लाइन लगी हुई है। कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है देखो, भंडारे की नंबर आना और टास्क लग रहा है। Thank you.
भंडारे में तो नंबर आना मुश्किल है, कम से कम जूस से काम चलाओ। देखिए भक्तों कितनी लंबी चौड़ी कतार लग रखी है यहाँ पे भंडारे के लिए। थोड़ी देर बाहर आने का मन हो रहा है। सर प्रणाम, हर हर महादेव। आइसक्रीम चॉकलेट वाला गिफ्ट वाला वो करेंगे नहीं बड़ी बात है। बस देखिए भक्तों यह नाथ बुद्ध भैरव बाबा जी का जो मंदिर है, यहाँ 10 जून को आज यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसपे देखिए भक्तों की लंबी चौड़ी कतारें अभी मैंने दिखाई थी आपको मंदिर के अंदर, और नीचे पंडाल जो आइसक्रीम है वहाँ पर भी भंडारा लगा है, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन हम उससे काफ़ी दूर आ रखे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर कोई इस गर्मी को सह पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वेट लगा के सीधे चले जा रहे हैं। और मंदिर के नीचे देखिए गाड़ियों को लगा हुआ था, ये मंदिर से ऊपर की तरफ है, नीचे की साइड तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है। ये वाली शॉप की पता होता हम तो बिचारे जाते ऋतिक। हाँ भैया, ये हमारे पुराने छात्र जो यहाँ पर मिले हैं हमें इस मेले में, छोटी छोटी बहने आते और यहाँ पर हमारे जो ब्लॉगर हैं डुमरी गांव के, ये भाई जो है, भाई आपका चैनल का नाम क्या है? आप सभी को मेरा प्रणाम, और मेरा नाम रोहित राणा उत्तराखंडी है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें उनकी वीडियो को। धन्यवाद। ये भी काफ़ी अच्छा वीडियो बनाते हैं, ये जो रीजनल एरियाज़ के जो वीडियोज़ होते हैं हर टाइम प्रोवाइड कराते रहते, क्या क्या इवेंट्स होते रहते हैं, इनको भी शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। पर लग चुकी है दीपू को काफ़ी मिर्चें, ये जो चटपटा इन्होंने गोलगप्पा खाया है। इधर रख दे यार, इधर रख दे। हर हर महादेव। Gracias.
वेलकम वेलकम। देखिए भक्तों कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर भंडारा खाने के लिए, काफी लंबी चौड़ी लाइन। बच्चे ठीक है, ये हमारे पुराने मित्र यहाँ पर बहुत टाइम बाद मिले हैं हमें, इसी मेले के दौरान अक्सर मिला करते हैं। ये भंडारे का जो आयोजन हो रहा है उसके दौरान उनको फाइनली हमको भी मिल चुका है भंडारे में। देखो शौर्य, भूख लगी हुई थी बेटा, अब कैसे लग रहा है? अच्छा बन रहा है घर जैसे? बड़ी मुश्किल से मिले हैं। कैसे हैं, पहुंच गए? हाँ जी भैया, बहुत देर हो गई। ओए छोटू सॉरी भी आ रखा। मम्मी को फोन कर, पैसे नहीं है। अब हम चल रहे हैं व्यूअर्स मंदिर परिसर से अपने घर की ओर। भक्तों का देखिए तांता लगा हुआ है मंदिर की ओर, यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस। यहाँ पर देखिए दीप और शौरी ट्रेम्पोलिन में जो है मस्ती करते हुए, 30 रुपीज पर पर्सन इसका जो रेट है। और कपड़े की दुकान है, कपड़े कालीन। ये छाता लेके आए, छाता है नहीं किसी घर पे रखा, छाता यहाँ बांध देते हैं। छाई लग रही थोड़ा सा,
पढ़ने उड़ने से? गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है ना, अब थोड़ी हवा चलने लग गई। छाता किसी का उड़ जा मैं। बच्चों की मस्ती करने का फुल कौन खुशी में? ना ना, हमें नहीं किसी से बात करना, अपना यहाँ देखो। ये पता नहीं कैसे आ रही है। मुल्टी के मेरे में मजे लेते हुए ट्रैम्पोलिन में दीपू सारे और बच्चे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।